myself Sayadudur Manan. Today we will discuss about standard 10 science chapter number 10 light reflection and refraction. In previous video we will discuss about convex lens and concave lens. हमने दो लेंस की बात की थी, ठीक है, जो उसके अंदर में सिमिलरिटी आपको दिखाई थी, जो कॉनकेव मिरर की जो बात थी वो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आ रही है और कॉन्वेक्स मिरर की जो बात थी वो कॉनकेव लेंस के अंदर आ रही है। आज जो हम डिस्कस करने वाले कि रे डायग्राम मीन्स हमने लास्ट टाइम भी जैसे किया था कि इफ एनी ऑब्जेक्ट जो है वो फार अवे से आ रहा है, उसकी जो रेज है फार अवे से जब हमारी आ रही है तो एट द टाइम्स हमारी क्या होगी, रे डायग्राम आप उसको ड्रॉ करोगे मीन्स फार अवे से आएगी तो उसकी जो रेज हो कैसे वो पास होगा कॉनकेव के अंदर से और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर से। तो फर्स्ट जो हम रिप्रेजेंटेट करने वाले रे डायग्राम, तो रे लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस पास टू द प्रिंसिपल फोकस ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस एज शोन इन 10.13 मीन्स हमने देखा तो फार अवे से जैसे हमारे सनलाइट के जो रेज आ रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस का 100% अगर पैरेलल होगा तो कॉन्वेक्स लेंस में से जब पास होगा तो वो क्या होगा 100% फोकल प्रिंसिपल फोकस के अंदर से क्या होगा वो पास होगा। बट जब हमारा ये कॉन्वेक्स ये बात की कॉन्केव के अंदर जब हमारा फार अवे से जब हमारा रेज अब आ रहा है तो वो क्या होगा यहाँ से डाइवर्ज होगा, यहाँ से क्या होगा डाइवर्ज होगा। बट उसको आप बैक साइड आप ऐसे खींचोगे तो जो हमारा दूसरा जो फोकल प्रिंसिपल फोकस है उसमें क्या होगा वो फोकस होगा मीन्स उसको आप पीछे की साइड करोगे तो आपको हमने देखा था अभी जो हमने इमेज फॉर्मेशन की जब बात की तो रियल इमेज आपको किसमें मिल रहा था कॉन्वेक्स के अंदर, बट कॉन्केव के अंदर आपको वर्चुअल मिल रहा था इसीलिए आपको क्या वर्चुअल आपको इमेज मिला देगा फार अवे से जब आएगा तो। बट ये क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगा। अब सेकंड जो पॉइंट है रे और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस अभी हमने क्या इसका उल्टा, अभी हमने फार अवे से जब आया तो प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रहा है, अब प्रिंसिपल फोकस में डालोगे तो 100% उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाने वाला है, वही चीज़ यहाँ पर है। तो इन कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अब प्रिंसिपल फोकस में से जब रे डायग्राम हमारा जब आएगा तो ये क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, बट हमारा कॉन्केव लेंस के अंदर जब हम उसके प्रिंसिपल फोकस के अकॉर्डिंग टू मतलब उसके अकॉर्डिंग टू हम ऐसे रेज डब डाल रहे हैं तो क्या होगा उसके पैरेलल होगा, बट उसको खींचोगे तो क्या होगा प्रिंसिपल फोकस के ऊपर वो मर्ज होगा, ठीक है। ये थर्ड थिंग जो है पोल में से हम वहाँ पर हम मिरर के अंदर पोल ले रहे थे, यहाँ पर हमारा क्या है कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर में से रे डायग्राम जब हमारा पास होगा रे लाइट पास होगी तो क्या होगा स्ट्रेट नो डाइवर्जन या नो डिफ्लेक्शन होकर एज इट इज़ वो निकल जाएगी कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, ठीक है। तो ये हमें रे डायग्राम हमें ध्यान रखना, तो पैरेलल मत डालेगी इन्फिनिटी से जब आएगा तो एफ में से फोकल पॉइंट प्रिंसिपल फोकस में से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस में से डालेंगे तो क्या होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर में से डालेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर्स में से जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भी हमने यहाँ पर जब प्रीवियस वीडियो में जब हमने डिस्कस की थी कि इमेज फॉर्मेशन, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको डायग्राम एग्जाम में पूछते हैं आपको पूछेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट को पुट किया है 2F1 पर तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, उसका इमेज और रे डायग्राम ड्रॉ करो और आपका पूरा स्ट्रक्चर मीन्स कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस जो भी बोला आपको वो यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ कि फार अवे से इन्फिनिटी से जब हमारे रेज आ रहे हैं तो कॉन्वेक्स की पहले बात की है तो कॉन्वेक्स आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आएंगे तो इमेज आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको F2 पर मिलेगा, क्या मिलेगा F2 पर आपको इमेज मिलेगा। बट इमेज कैसा होगा, हमारा इमेज जो होगा वो क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा एंड वो एक्चुअली में जो भी साइज है ऑब्जेक्ट की उससे क्या होगा छोटा होगा। सेकंड जो हमने बात की थी कि भाई बियॉन्ड 2F1 से मतलब बियॉन्ड 2F1 के दूर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसकी इमेज है F2 और 2F2 के बीच में मिलेगी, बट एक्चुअल जो साइज जो है उससे क्या होगी छोटी, अगर रियल और इन्वर्टेड मतलब आपको उल्टा मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है जब ड्रॉ करना है तो आपको टू रे डायग्राम ड्रॉ करना है, एक फर्स्ट पैरेलल डालना है, पैरेलल डालोगे तो हमें पता है पैरेलल डालोगे तो 100% एफ में से, तो एफ में से ये निकल गया और सेकंड जो है ऑप्टिकल सेंटर, ये हमें टू रे डायग्राम्स ध्यान रखने हैं उससे अकॉर्डिंग टू आप इमेज मतलब ये पूरा डायग्राम रेडी कर सकते हो, ठीक है।
थर्ड वाला है तो 2f1 पे से जब पुट किया तो 2f2 पर ही मिलेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वहाँ पर ले रहे थे, यहाँ पर आपका 2f1 ले रहे तो 2f1 पर रखोगे तो 2f2 पर ही मिलेगा, मतलब सेम साइज़ का मिलेगा और रियल और इन्वर्टेड मिलेगा। देखो यहाँ पर भी टू रे डायग्राम्स है ना, एक पैरेलल है और ये एक ऑप्टिकल सेंटर। आपको ध्यान क्या रखना है, एक पैरेलल डालना है और एक ऑप्टिकल सेंटर। आपको पता है फर्स्ट आपको क्या करना है, जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो इमेज को ड्रॉ कर लो, मीन्स 2f1 पर रख लो, 2f2 पर होगा था, ऐसे हमें क्या करना है 2f2 2f1 दोनों कर लिया इस तरह से। अब 2f2 में से होगा एक हमारे क्या ऑप्टिकल सेंटर, जहाँ पे मर्ज हो रहे हैं वहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इसी तरह से 2f1 एंड f1 के बीच में पुट करोगे आपको इमेज है वो बियॉन्ड द 2f2 मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर मिलेगा और बड़ा होगा। देखो यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हो, जब दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पूछेंगे 2f1 एंड f2 के f1 के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट पुट कर रहे हैं तो लेंस के अंदर उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, तो इमेज फॉर्मेशन आपका बियॉन्ड 2f2 और इमेज जो होगी वो एक्चुअल साइज से बिग होगी, तो आपको ये क्या करना है बड़ा ड्रॉ करना है, ठीक है, बड़ी लाइन ड्रॉ करना है और एक पैरेलल डालना है और एक सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर में से पास करना है, और जो उसके बाद वाले टू पॉइंट्स जो थे हमारे f1 पर पुट करोगे तो f1 पर करोगे तो आपको बहुत बड़ा मिलेगा और काफ़ी सारा दूर मिलेगा, ठीक है। हमने फर्स्ट इन्फिनिटी से डाला था f1 पर मिल रहा था, अब f1 पर रखेंगे तो आपको क्या होगा इन्फिनिटी आपको इमेज मिलेगा। और लास्ट वाला जो था सिक्स पार्ट जो मैंने डिस्कस किया था f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप ऑब्जेक्ट पुट करोगे तो आपको इमेज बहुत बड़ा दिखाई देगा, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब उसको बैक साइड आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको वर्चुअल इमेज मतलब आपको ऐसे आभास होगा मीन्स ये इमेज है, ठीक ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हमने बात की कॉन्वेक्स की, और कॉनकेव के अंदर हमने सिर्फ टू डिस्कशंस किया था, सिर्फ टू पार्ट थे। कॉनकेव के अंदर जो फार अवे से जब हमारे रे जब आ रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा वो डिफ्लेक्ट होगा, वहाँ से वो डिफ्लेक्ट होगा, बट उसको बैक साइड आप खींचोगे, बैक साइड खींचोगे तो वो क्या होगा f1 के अंदर वो मिक्स होगा, मीन्स फोकल पॉइंट के अंदर वो मिक्स होगा। तो यहाँ पर इमेज जो मिलेगी आपको इमेज कैसी मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी और रिएक्ट, वर्चुअल और रिएक्ट आपको क्या मिलेगी इमेज मिलेगी, और ये 2f1 से दूर फार अवे इन्फिनिटी से, पर आपको 2f1 और ऑप्टिकल सेंटर कहीं पर भी रख दो, ये लाइन के बीच में कहीं पर भी रख दो तो आपको इमेज जो 100% है इमेज आपको कहाँ पर मिलेगा, इमेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमने जो बात की कॉनकेव लेंस की बात की, आपको कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर ये दोनों की इमेज फॉर्मेशन आपको पूछेंगे, आपको ड्रॉ करने को बोले तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। आफ्टर दिस हमने जब डिस्कस की थी कि साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, हमने वहाँ पर जब डिस्कशन की थी साइन की बात की थी कि जैसे कि रूल्स थे, जैसे हम ऑब्जेक्ट 100% कहाँ पे रखेंगे लेफ्ट साइड ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट पुट हम कहाँ से करेंगे लेफ्ट साइड ही रखेंगे, उसकी जो डायरेक्शन है मतलब डिस्टेंस हम कहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से हम क्या करेंगे मेजर करेंगे, डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो क्या होगा वो माइनस होगा, बिकॉज हम कार्टेशियन याम जो हमारी जो है मेथड जो है उसके अंदर क्या, और ये एक्स पॉजिटिव होती है और ये एक्स माइनस एक्स होती है, मीन्स हम डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा माइनस, तो ऑब्जेक्ट पुट करेंगे तो माइनस से हमारा क्या होगा यू हमारा आएगा, बट इमेज आपको लेंस के अंदर क्या पर मिल रही है राइट साइड मिल रही है, राइट साइड के अंदर इमेज जो मिलेगी आपको 100% पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। एवरी जो जो रेज है वो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली हम आने देंगे, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। एंड थर्ड थिंग जो है हाइट, उसकी जो हाइट है वो क्या होगी अपर साइड है, देखो पॉजिटिव वाई ऊपर होगा एक्सिस एंड नेगेटिव वाई नीचे होगा, तो ऑब्जेक्ट जब पुट करेंगे तो उसकी जो हाइट है वो 100% हम पॉजिटिव लेंगे, बट इमेज कॉन्वेक्स के अंदर जो हमें नीचे इमेज मिले तो उसकी हाइट हम नेगेटिव लेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये जो है साइन कन्वर्जन जो हमारा है, तो फर्स्ट क्या पर रखेंगे ऑब्जेक्ट जो है 100% हम लेफ्ट से हम आने देंगे, उसका जो रेज होगा वो कहाँ से होगा लेफ्ट साइड से आएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। एवरी डिस्टेंस से ऑप्टिकल सेंटर से हम मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जब मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमने लेफ्ट साइड पुट किया है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो हम माइनस यू लेंगे, वहाँ पर मिरर में भी हमने माइनस यू लिया था और इमेज भी आपको मिरर के अंदर लेफ्ट साइड ही मिला था, बट यहाँ पर लेंस के अंदर आपको राइट साइड इमेज मिलेगी, तो राइट साइड है तो उसका जो डिस्टेंस है वो हम पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव, बिकॉज एक्स एक्सिस हमारी पॉजिटिव होती है,
ठीक है। और थर्ड थिंग जो है, जो हाइट जो है, हाइट है अपर साइड जो हाइट है वो हम पॉजिटिव लेंगे और डाउन साइड वाली हम नेगेटिव लेंगे, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला के मैं आपको एक प्रूफ के थ्रू मीन्स आपको एक इमेज एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, उसके थ्रू हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हम जो डिस्कस करने वाले लेंस फॉर्मूला, जैसे हमने मिरर किया था उसी तरह से लेंस है, बट उसके अंदर सिर्फ एंड सिर्फ हमारा जो इमेज है वो राइट साइड मिलने वाला, वहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड था, उतना ही डिफरेंस है। तो चलो हमने ऑब्जेक्ट पुट किया है लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट की हम हाइट है ए बी हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उसकी हाइट है ए बी है, और उसका ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है हम यू लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे हम लास्ट टाइम लिया था ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू लेंगे। इमेज डिस्टेंस, इमेज हमें देखो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुट किया है, वहाँ पर भी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर पुट किया था, यहाँ पर हम क्या 2f1 से दूर, तो हमें पता है कि इमेज जो है वो f2 और 2f2 के बीच में मिलेगा, ठीक है, और उसकी जो साइज़ होगी एक्चुअल साइज़ से वो छोटी होगी, ठीक है। और एक चीज़ मैंने बोला है कि जब आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना था कि आपको पैरेलल डालना है, देखो पैरेलल डाला हुआ तो f में से पास होगा और एक सेकंड जो ऑप्टिकल सेंटर में से जहाँ पे मर्ज हो रहा है वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डायग्राम के अंदर हमने फोकल लेंथ लिया हुआ है, फोकल लेंथ ये हमारी यूज़ होगा, इसीलिए हमने फोकल लेंथ को हम फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर से हमारा जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है, उसको एफ से डिनोटेट कर दें। इमेज जो डिस्टेंस है हम वी से डिनोटेट कर दें और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यू से। तो आपको ध्यान ये रखना है कि लेफ्ट साइड है इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा यू माइनस आएगा, और ये इमेज डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर में से मेजर करेंगे, तो राइट साइड है तो पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारी थी नॉर्मल डिस्कशन, हमने ऑब्जेक्ट पुट किया, हम ए बी नेम दे रहे हैं, यहाँ पर भी ए डैश बी डैश मतलब इमेज मिला, इसीलिए 2f1 f1, यहाँ पर हम एक नेम दे रहे हैं, एम नेम दे रहे हैं, इसी तरह से हम उसको नेमकरण कर रहे हैं। चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना है ओ बी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या है ओ बी, तो माइनस यू बिकॉज वो लेफ्ट साइड है इसीलिए। इमेज डिस्टेंस प्लस वी, हमने वी लिया हुआ है। फोकल लेंथ वो भी प्लस होगा बिकॉज वो क्या राइट साइड है, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, उसके बाद ही आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। अब लास्ट टाइम हमने जब ऑब्जेक्ट मतलब मिरर के लिए जब किया था तब भी हमने टू ट्राइंगल्स लिए थे, कौन से लिए थे, टू ट्राइंगल्स, उसको हमने सिमिलर किया था, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमने इसको सिमिलर किया था, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे टू ट्राइंगल्स लेंगे। तो फर्स्ट जो ट्राइंगल है ए बी ओ ये लेंगे और ए डैश बी डैश बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसकी साइड्स क्या होगी सेम होगी, उसकी साइड भी क्या होगी सेम होगी। तो उसकी साइड फर्स्ट हम ले रहे ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, तो उसकी एक साइड होगी ए बी, ये सेम है ए डैश बी डैश है, ठीक है, उसकी ए डैश बी डैश है ना यहाँ पर, और हम उसको सेकंड साइड भी बोल सकते हैं, तो बी ओ अपॉन ओ बी डैश, ये दोनों क्या होगी सेम होगी। तो चलो हमें मुझे ए बी बी ओ का तो मुझे डिस्टेंस पता है, जैसे यू यू है बट यू बी कैसा माइनस, तो माइनस यू एंड ओ बी डैश, ओ बी डैश ये हमारा क्या इमेज डिस्टेंस है, तो वी वी कैसे प्लस, तो हमें क्या मिला माइनस यू अपॉन वी। फर्स्ट ये हमें ट्राइंगल लेना है, तो हमें क्या करना है ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसकी साइड्स क्या होगी सेम होगी, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी ओ या ओ बी, हम डिस्टेंस लेंगे ओ बी, ठीक है, ओ बी और ओ बी डैश ये दोनों क्या हो गया सेम, ओ बी हमारा क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है लेफ्ट साइड इसलिए मैंने माइनस यू लिया और ये राइट साइड है इसलिए मैंने प्लस वी लिया। तो ये फर्स्ट इक्वेशंस देना है। सेकंड थिंग्स है यहाँ पर हमारा ये इजी है। अब ये ये जो हम ट्राइंगल तो ले लिया, अब सेकंड जो ट्राइंगल लेना है यहाँ पर हमें ध्यान रखना, लास्ट टाइम भी हम ले रहे थे, सेकंड कौन सा लेना है ओ डी एफ टू और एफ टू ए डैश बी डैश, ये हमें ट्राइंगल लेना है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी देखो राइट एंगल ट्राइंगल है 90 है, तो उसकी भी साइड्स की होगी सेम होगी, जिस तरह से इस तरह से क्या होता है। सेकंड फर्स्ट कौन सा लेना है ए बी ओ और ओ बी डैश ए डैश, लास्ट टाइम वहाँ पर कर रहे थे इसी तरह से, यहाँ पर अब लेना है ओ डी एफ टू एफ टू बी डैश ए डैश, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसकी साइड भी सेम होगी, तो ओ डी अपॉन ओ डी अपॉन क्या होगा ए डैश बी डैश होगा हमारा, क्या होगा ए डैश बी डैश, ठीक है एक मिनट, ए डैश बी डैश होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ए डैश बी डैश एंड ओ एफ टू, ठीक
ठीक है, ओ एफ टू, देखो यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो उसकी साइड ओ डी अपॉन ए ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ये भी साइड सेम होगी तो ये भी सेम होगी, तो एफ टू एफ ओ एफ टू ओ एफ टू, ये फर्स्ट वाली की हम रिटर्न करते हो, ओ एफ टू अपॉन एफ टू बी डैश एफ टू बी डैश, ठीक है। तो चलो ओ एफ ओ डी, अब ओ डी, अब ओ डी तो मुझे पता है नहीं, ठीक है, तो ओ डी के लिए हमें अब ये ओ डी तो मुझे पता है, ये जो डिस्टेंस है देखो, अब देखो यहाँ ये जो डिस्टेंस है वही हमारा ए बी का डिस्टेंस है ना, यही है दोनों सेम टू सेम, तो मैं ओ डी की जगह पर ए बी रिटर्न कर सकता हूँ, यस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश। चलो अब ओ एफ टू, ओ एफ टू मतलब ये डिस्टेंस है, ओ एफ टू हमारा क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ओ एफ टू, ओ एफ टू हमारा ये डिस्टेंस है, क्या हमारा फोकल लेंथ रेडी है, तो एफ अपॉन, अब हमें क्या करना है, एफ टू बी वन, एफ टू बी वन, ये मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, मुझे डिस्टेंस कौन सा पता है, ओ बी डैश पूरे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरा डिस्टेंस मुझे पता है ओ एफ टू, मतलब ये डिस्टेंस पता है, ठीक है, अगर मैं पूरे में से इतना माइनस कर लूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा, यस, तो मैं क्या करूँगा, ओ बी वन माइनस ओ एफ टू, मतलब ओ बी वन क्या वी है हमारा, क्या है वी है, वी माइनस एफ, वी माइनस एफ, एफ ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, ये दोनों जो वैल्यू है ए बी अपॉन ए डेज बी डेज की है, आप उसको क्या करो, दोनों को सेम कर लो, तो हमारा इक्वेशंस रेडी हो जाएगा, देखो ए बी अपॉन ए डेज बी डेज, और ये भी क्या है माइनस यू अपॉन वी, हमने इक्वेशन नंबर वन दिया था, अभी हमें क्या मिला एफ अपॉन वी माइनस एफ, ये भी क्या है ए बी अपॉन ए डेज बी डेज की दोनों की वैल्यू, अब दोनों को सेम कर दो, मतलब दोनों को अपने सामने रख दो, दोनों को सेम कर देंगे तो माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ, अब सिंपलीफाई करना है, ये इसको सामने की साइड माइनस यू मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर साइड जाएगा और ये क्या होगा इस साइड, ठीक है, तो यू वी, यू वी के अंदर ध्यान रखना है यू और वी डिस्टिंग्विश होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, ऐसा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तब तीनों को यू वी एफ से डिवाइड करो, वहाँ पर हम क्या करते हैं यू वी आर से कर रहे थे, क्या करते हैं यू वी आर, यहाँ पर यू वी एफ, ठीक है यू वी एफ, और यहाँ पर भी यू वी एफ, तो देखो यू वी कट, और यहाँ पर यू एफ कट वी बचेगा, और यहाँ पर वी एफ है तो यहाँ पर यू बचेगा, ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉर्मेशन होगा, तो क्या बचेगा वन ओपन एफ प्लस वन ओपन वी इज इक्वल टू वन ओपन यू, अब हमें अरेज करना है, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, तो ये जो हमें इक्वेशन मिला ये हमारा क्या है लेंस का फॉर्मूला है, तो लेंस का फॉर्मूला उसके अंदर हमें देखा, अभी देखो यहाँ पर पता चला ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो क्या होगा पॉजिटिव, इमेज जो डिस्टेंस पॉजिटिव बिकॉज वो राइट साइड है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा माइनस होगा, ठीक है, और फोकल लेंथ भी हमें एफ मुझे क्या मिलेगी हमें पॉजिटिव मिलेगी, तो वन ओपन यू माइनस वन वन ओपन वी माइनस वन ओपन यू इजिकल वन ओपन एफ, ये हमारा लेंस का फॉर्मूला, और मिरर का था, मिरर का क्या था सेम टू सेम था, वन ओपन यू प्लस वन ओपन वी इजिकल वन ओपन एफ, ये हमारा क्या था हमारा मिरर फॉर्मूला था, बट यहाँ पर माइनस आ रही है, पहले यू आ रहा है पहले वी आ रहा है उसके बाद क्या आएगा यू आएगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको दोनों वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी आपको ये पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के अंदर, ठीक है, एक बार और हम शॉर्टली मैं आपको दिखा दूँ, 2 ट्राइंगल्स लेना है, फर्स्ट लेना है ए बी ओ एंड सेकंड लेना है ओ ए डैश बी डैश, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी साइड सेम होगी, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश एंड अपॉन ओ बी अपॉन ओ बी डैश, तो ओ बी मुझे पता है ओ बी क्या है मेरा यू है, यू बट कैसा लेंगे लेफ्ट साइड में माइनस यू, और ओ बी डैश तो ओ बी लूँगा, उसको मैं इक्वेशन नंबर वन दे रहा हूँ, ठीक है, इसी तरह से सेकंड ट्राइंगल लेना है, कौन सा लेना है ओ डी एफ टू और एफ टू ए डैश बी डैश, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी साइड भी सेम होगी, तो ओ डी अपॉन ए डैश बी डैश, बट मुझे पता ओ डी का जो मेजरमेंट है वही हमारा ए बी का है, तो मैं ए बी रिटर्न कर सकता हूँ, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश आएगा, ठीक है, उसकी साइड, तो चलो साइड की बात करें तो साइड कौन सी होगी ओ एफ टू अपॉन एफ टू टू एफ ऑफ एफ टू बी डैश, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है,
OF2 का डिस्टेंस मुझे पता है क्या है, F, F कैसा आएगा प्लस आएगा, बट मुझे F2 B1 का डिस्टेंस पता नहीं है। देखो यहाँ पर पता है नहीं, ये मुझे OF2 पता है और पूरे पूरा पता है, तो मैं क्या करूँ ये OB डैश में से OF2 में माइनस कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा, तो V माइनस F, बस कुछ नहीं कहना, दोनों को अपने सेम करना है और दोनों को सेम करो और कैलकुलेशन करो तो आपको ये आपको इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, तो आप कॉमेंट्स में भी डाल सकते हो, ठीक है। उसकी जो मैग्निफिकेशन वाली जो बात है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।